करा था, उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बता। ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, सबसे पहला सवाल। अब स्किल्स और सेल्स, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। अब ऑनलाइन ऑनलाइन जो वर्क करते हैं उसमें आपको कितना ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए और आप एक दिन में कितना अर्निंग कर सकते हो? अगर आप कुछ मेहनत करते हो और कुछ हासिल नहीं होता तो आप नॉलेज हासिल करो, और अगर नॉलेज हासिल कर रहे हो और कुछ हासिल नहीं होता तो सो जाओ। ऑनलाइन आप काम करते हो डिजिटली, या छुरी आप ले लो, या कंप्यूटर चलाते हो आप, या छुरी ले लो, मिसाल अच्छी मिसाल ले लो, छुरी को आप इस्तेमाल करते हो खाना पकाने के लिए, सही काटते हो आप सब्जियां वगैरह, आप छुरी को कतल में भी इस्तेमाल करते हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और इस्लामाबाद से आ चुका हूँ मैं, और आते साथ ही एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, उसमें कितना टाइम दिया जाता है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। और आज हमारे गेस्ट हैं जो खुद ऑनलाइन अर्निंग काम करते हैं, तो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। ये हैं हमारे हम्मा साहब, जो आज ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तो आप अपना इंट्रो खुद करवा रहे हैं, हम ही करवा दूं? आप खुद करवा दें ज्यादा अच्छा होगा। मेरा नाम हम्माद है, सेकेंड ईयर में हूँ, प्री इंजीनियरिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक में वन ग्रेड आया था, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट उन्होंने पेंडिंग कर दिया, अभी तक कुछ भी हासिल वसूल नहीं हुआ कि पता नहीं चला रिजल्ट क्या आया है फर्स्ट ईयर का। बाकी अभी जो है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, छः भी भाई ने हमें बुलाया, इनवाइट करा था, उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बताना। ठीक है, मैं कौन होता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बताने वाला? मैं अल्हम्दुलिल्लाह गूगल से डिजिटल मार्केटिंग जो सर्टिफाइड हूँ, और बाकी बहुत सारे मेरे पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, गिनवाने वीडियो होगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो उस हिसाब से अभी जो है भाई ये समझ लो कि पीएच एकेडमी जो है हमारी वर्चुअल वो चलती है, मैं क्लासेस वगैरह देता हूँ, तो बस ये समझ लो इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो मत ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, सबसे पहला सवाल ना, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग आजकल इतना चल रहा है, काफी ज्यादा ऐप है, दराज, अमेज़न, ये काफी ज्यादा है ना, तो ऑनलाइन अर्निंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए? देखो ऑनलाइन अर्निंग जो है ना, वैसे इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप घर पे बैठकर अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए आप ऑनलाइन अर्निंग करते हो, अपनी स्किल्स को सेल करते हो। अब स्किल्स और सेल्स, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। स्किल्स क्या होती है? आपका हुनर होता है, स्किल का मतलब हुनर होता है। अब हुनर आपके पास कंप्यूटर के अंदर क्या हुनर है, ये डिजिटल हुनर आपके पास क्या है, डिजिटल स्किल्स। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, या फिर आपको एमएस ऑफिस आता है, नेटवर्किंग आती है, बहुत सारी आपके पास बहुत सारी जो आप स्किल्स आप सीख लो। आप उसको फिर क्या करते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, फाइबर, फेसबुक वगैरह पे भी आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हो, बाकी फ्रीलांस गुरु, अपवर्क, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे भी काफी सारे बैठे हैं जो ऑनलाइन शिकार होते लाइफ वगैरह। आप वहां जाते हो, आप अपनी स्किल शोकेस करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे बिजनेस कार्ड है, आप बिजनेस कार्ड वहां पर शो कराते हो अपने सारे सैंपल, आप उनको बोलते हो कि हाँ मैं बना सकता हूँ, तो फिर वो देखता है हाँ यार इसका काम तो अच्छा है, फिर वो आपको ऑर्डर दे देता है, आप उसको काम करके देते हो, डिजिटल एसेट्स जो होते हैं आपके वो दे देते हो, आप उसको बना के फिर वो आपको पेमेंट कर देता है। इससे ऑनलाइन अर्निंग होती है। इसी तरीके से बहुत सारी स्किल्स हैं जिनकी ज्यादा डिमांड है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, और आपका ई कॉमर्स, वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह पे आपका अमेज़न का, उसका ज्यादा आपका डिमांड चल रही है आजकल वर्चुअल असिस्टेंट की। तो आप क्या इसका कोर्स आपने कहीं से सीखा है? मैंने बाहर की यूनिवर्सिटीज वगैरह से सीखा है, बाकी ऑनलाइन मैंने सेल्फ लर्निंग करी है मैंने। अच्छा, तो ऑनलाइन किस ऐप में किया जाए? जैसे काफी सारे ना ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं जो जिन्होंने कोर्स नहीं किया हुआ, ठीक है, तो वो कहाँ से सीखे और कौन से ऐप पर काम स्टार्ट करें? सीखने के लिए जो है फ्री आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप यूट्यूब पे भी जाके आप सीख सकते हो, और बाकी ओडीमी पर भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज होते हैं, लेकिन फ्री से ये होता है कि फ्री से आपको वो हासिल नहीं होता जो आप पैसे देकर हासिल कर सकते हो। तो आप जो है किसी एकेडमी में चले जाओ, आपके पास में कोई एकेडमी है, कोई इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर वगैरह का,
तो वहां से आप कोर्सेज कर लो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, या आप एमएस ऑफिस सीआईटी वगैरह सीख लो। अगर आपने सीआईटी भी कर लिया तो आपको एमएस ऑफिस आ जाएगा, जिसके अंदर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है। आप उसको ऑनलाइन अपनी स्किल्स को शोकेस करो, डेटा एंट्री का ज़्यादातर काम होता है, आप उसको सेल कर सकते हो। स्किल्स हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर जो असल जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप सेल कैसे करोगे। तो इसको असल में बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब या तो आप स्किल सेल करो अपनी, या तो आप कोई लोकल प्रोडक्ट सेल करो। डिजिटल मार्केटिंग सीख लोगे आप तो उसके अंदर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाएगी, फ्रीलांसिंग भी आ जाएगी, और थोड़ी बहुत आपको शायद वेबसाइट डेवलपमेंट भी सिखा दी जाए। और ये अमेज़न आजकल काफी ज्यादा चल रहा है ना, तो अमेज़न के हवाले से कुछ? अमेज़न जो है, देखो अमेज़न पहले नहीं था, अमेज़न अमेज़न के अंदर तीन काम आप कर सकते हो पाकिस्तान में बैठकर। अमेज़न FBA, अमेज़न FBM और वर्चुअल असिस्टेंट। FBA और FBM के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और वर्चुअल असिस्टेंट में आप स्किल प्रोवाइड करते हो, वो वही आप प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे फाइबर, फ्रीलांसर, ग्रू, अपवर्क के ऊपर। तो इसमें तो ये भी है ना कि आप अगर अमेज़न में चाहें तो आप पाकिस्तान में भी मार्केटिंग कर सकते हैं इसकी, या बाहर भी, इसमें दोनों है ना, आपको खुद चॉइस करना होता है कि मैं बाहर करूँ या पाकिस्तान में ही करूँ। सबसे ज्यादा अच्छा तो ये है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, 5,000 रुपए के टूल्स आते हैं। अच्छा, 5-4 हजार वो क्या परचेस करना होता है या नहीं? टूल्स होते हैं उसके जो आपको अमेज़न में प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह में आपके काम आते हैं। प्रोडक्ट तो आप क्या करते हो, वो स्किल पहले सीख लेते हो कि कैसे यूज करते हैं उस टूल्स को। फिर आप क्या करते हो, आप उसको फाइबर या पर कहीं पर भी जहां पर आपको बेटर लगे वहां पर आप अपनी स्किल शोकेस करते हो। फिर आप बोलते हो कि हाँ मैं आपका जो है प्रोडक्ट टॉप पर ले जाऊंगा पेज के, या मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हंट करके दूंगा। तो फिर वो आपके पास आता है, पैसे देता है, आप उसके लॉगिन करते हो, उसका जो भी पेज वगैरह होता है, अकाउंट होता है, फिर उसकी सारी सेटिंग्स जो भी है वर्चुअल असिस्टेंट करता है। अच्छा, तो वो इसका मतलब आपको किसी को परचेस करना होता है कि आप मेरा ये काम करो, मैं आपको पैसे दूंगा? जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसके लिए मैक्सिमम 5-6 हजार रुपए लगता है अमेज़न में। और दराज जो है, दराज के हवाले से, दराज में भी आप कर सकते हैं। दराज की मार्केटिंग वैसे अभी है नहीं, ज्यादातर ऑनलाइन अर्निंग करने वाले जो हैं वो अमेज़न में ही कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का वो हालत नहीं है जो दराज में काम हो, बहुत कम है जो दराज में काम कर रहे हैं लड़के में। क्योंकि मैं खुद ई कॉमर्स किया था, दराज में काम स्टार्ट किया, लेकिन काम अपना रोक दिया क्योंकि कुछ भी दराज में नहीं चल रहा था सही। देखो जैसे अमेज़न में हम लोग वर्क करते हैं, वैसे दराज में भी करते हैं। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो आप दराज पे डाल दो, उसको सेल करो। लेकिन देखो हर कोई डाल देता है, असल बात क्या आ जाती है, आपको प्रमोट करना है, सेल करना आना चाहिए। ये तो डिजिटल मार्केटिंग बस सीखनी है आपको। अच्छा, और ऑनलाइन जो हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, इसमें हमें कितना टाइम देना चाहिए? ऑनलाइन वर्क से मुराद जैसे एक होता है ना कि अगर हम लोग जॉब पे जा रहे हैं सुबह 9 बजे तो रात में आ रहे हैं, वो शाम में आ रहे हैं 5 या 9 बजे। अब ऑनलाइन जो वर्क करते हैं उसमें आपको कितना ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए, और आप एक दिन में कितना अर्निंग कर सकते हैं? ऑनलाइन वर्किंग से मुराद फ्रीलांसिंग आपका। हाँ, फ्रीलांसिंग का मकसद यही है कि आपको टाइम की कोई फिक्र नहीं होगी। हाँ, टाइम की कोई बोझ नहीं होगा आपके ऊपर, कोई प्रेशर नहीं होगा। जो करना है आपके ऊपर है, जितना टाइम दोगे उतना अच्छा है, जितना कम टाइम दोगे वो आपके ऊपर है कि कितनी अर्निंग कर सकते हो आप। तो जैसे अगर मैं अगर एक दिन में, ठीक है, 4 घंटे ऑनलाइन अर्निंग में, फ्रीलांसिंग में अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, तो कितना अर्निंग कर सकता हूँ? पहली बात तो ये कि वेस्ट नहीं करोगे आप, जो भी आप नहीं मैं काम कर रहा हूँ ना, काम करो 4 घंटे में काम करो फ्रीलांसिंग में, तो उससे कितना, जैसे मैक्सिमम कितना मैं अर्निंग कर सकता? डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किल कहाँ पर सेल कर रहे हो, कौन सी स्किल आप सेल कर रहे हो। अच्छा, तो जैसे अगर दराज में करते, दराज पाकिस्तान मार्केटिंग है, ठीक है, और अमेज़न में ज्यादातर यूएस वगैरह की मार्केटिंग होती है, तो उसमें डॉलर वगैरह आप अगर जितना आप डॉलर लोगे ना उतना अच्छा है। देखो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन इतनी अर्निंग नहीं होगी। हाँ, इतनी अर्निंग नहीं होगी। अगर आप बाहर के क्लाइंट्स पकड़ोगे, जैसे आप फाइवर पे आते हो, ग्रुप पे आते हो, फ्रीलांस पे आते हो, तो वहां पर अगर बाहर के क्लाइंट्स पकड़ोगे तो आपको डॉलर्स मिलेंगे, और डॉलर्स मिलेंगे तो फिर
आपकी एज ऐसी है। और ऑनलाइन जैसे आपने, आप अभी मेरे ख्याल से ऑनलाइन बच्चों को सिखा भी रहे हैं, फ्रीलांसिंग का कोर्स चल रहा है, तो फ्रीलांसिंग का जैसे घर में जाके सिखा रहे कैसे? नहीं अभी ऑनलाइन, अभी हमारा जो भी है वर्चुअली चल रहा है, फ्रीलांसिंग की अभी क्लासेस 20 दिसंबर से स्टार्ट है वर्चुअल, इंशाल्लाह बहुत जल्द इंस्टीट्यूट खोलेंगे आपकी दुआ से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आप जो फायदे हैं वो बताएं, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा है ना कि ऑनलाइन अर्निंग करना है, काफी ज्यादा फेसबुक पे बैठे हुए ऑनलाइन जैसे सूट वगैरह फेसबुक में, क्योंकि ज्यादातर शूज वगैरह हो गया और ड्रेस वगैरह हो गया यही सब। देखो मैं एक चीज बताता हूं, बहुत से लोग बोलते हैं ऑनलाइन अर्निंग फेक है या कुछ भी नहीं होता, इधर से कोई हासिल वसूल नहीं है, ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। मैं एक चीज बता दूं, देखो ऑनलाइन आप काम करते हो डिजिटली, या छुरी आप ले लो या कंप्यूटर चलाते हो आप या छुरी लेते हो, मिसाल अच्छी मिसाल ले लो, छुरी को आप इस्तेमाल करते हो खाना पकाने के लिए, सही है, काटते हो आप सब्जियां वगैरह, आप छुरी को कत्ल में भी इस्तेमाल करते हो सही है सही है, आप वो जो खाना पकाने में आप इस्तेमाल कर रहे हो क्या अच्छा काम अच्छा है, काम है, और कत्ल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो बुरा काम है गलत काम है। अब इसी तरीके से ऑनलाइन आप जैसे इस्तेमाल करोगे आपको पता चलेगा कि आप सही, सही काम करोगे तो सही है, गलत करोगे तो गलत है। गलत है। और जैसे अभी ऑनलाइन अर्निंग हम लोग कर रहे हैं ठीक है, तो अगर इंस्टीट्यूट वगैरह से सीखे हम लोग तो ये कितने महीने का कोर्स होता है कि जल्द अज जल्द ये सीख कर हम लोग अपना ऑनलाइन, और मेन चीज ऑनलाइन अर्निंग ये है कि आप हर चीज कर सकते हो ऑनलाइन में, अगर आप घर में खाना भी पका रहे हो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, ये नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन में आप कोई ड्रेस सेल कर रहे हो या कुछ भी सामान वगैरह सेल, जैसा भी ग्राफिक डिजाइनिंग जो सीखने जाते हैं ना उनके ज्यादातर माइंड में यही होता है कि फ्रीलांसिंग काम करेंगे, तो फ्रीलांसिंग ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग भी होता है लेकिन फ्रीलांसिंग हर चीज है, ऐसा है नहीं है कि अभी हम लोग जैसे मैं जहाँ इंस्टीट्यूट जाता हूँ वहां पे ना काफी ज्यादा बच्चे आते हैं जो बोलते हैं सर ग्राफिक डिजाइनिंग सीख कर हम लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम करेंगे, तो सर उनको हमेशा यही समझाते हैं नहीं बेटा फ्रीलांसिंग सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है, उसमें सारी चीजें, आप कुछ भी, आप कुछ का मतलब अगर आप घर में खाना भी पका रहे हो ना आप वो भी फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो, कहीं ऑर्डर आपको मिला आप वो दे सकते हो तो वो भी ऑनलाइन, अक्सर सर बोल रहे होते ना तो मैं हंस रहा हूँ बच्चों पे कि इनका एक ही माइंड है कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के ऑनलाइन का वो फ्रीलांसिंग काम करना है। फ्रीलांसिंग का तो मतलब ये है ना कि आप घर पे बैठे हो, कुछ भी कुछ भी काम कर सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग करते हो। लेकिन असल मसला बस यही है कि बहुत से लोग इसी शिकार, इसी जहनी सोच का शिकार है कि ऑनलाइन अर्निंग फेक होती है या फलाना ढिमकाना, नहीं ऐसा तो इनके लिए यही है कि भाई आप आओ पहले देखो सही से समझो फिर उसके ऊपर पूरा उतरो और मेहनत अपनी सही से करो। हाँ। तो फिर ही आपको कोई रिजल्ट मिलेगा, कोई रिजल्ट। अगर आप चाहते हो कि मैंने बस सीख लिया या एक दो पोस्ट कर दी और अब मेरे पैसे अब नहीं आ रहे तो फेक है, फेक है। ऐसा तो अगर जैसे अभी ये हम आज जैसे अभी ऑनलाइन वर्क कर रहे थे, ये मिसाल के तौर में अगर मैं भी ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, मैं मेरा इतना ध्यान नहीं है ऑनलाइन वर्क में, ये ज्यादा टाइम दे रहा ऑनलाइन उसमें मेहनत कर रहे हैं ना, और अगर इसका काम चल रहा है तो मैं यही बोलूंगा नहीं यार इसका काम चल रहा है मेरा काम नहीं चल रहा, ये चीज ना करें हरगिज, क्योंकि इससे ना ये होता है कि आप एक दूसरे से हदस कर रहे हैं, नहीं यार इसका ऑनलाइन में ये ज्यादा अर्निंग कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जितना टाइम देगा उसको उतना ही फल मिलना है, उतना ही फल मिलेगा, जितनी मेहनत आप करोगे उतना आपको मेहनत का फल मिलेगा। और ऑनलाइन अर्निंग देखो बहुत सारी तरीके से आप कर सकते हो, जैसे कि आप अपना स्किल्स सेल कर सकते हो फ्रीलांसिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, इन्वेस्ट हर जगह होता है, कहीं टाइम इन्वेस्ट होता है कहीं पैसा इन्वेस्ट होता है। अब आप स्किल सेल कर रहे हो तो आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हो, अब आप कहीं डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हो अपने प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हो तो उसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम तो इन्वेस्ट होता ही होता है आप, लेकिन अगर ज्यादा आप टाइम अपनी पढ़ाई पर या कुछ स्किल सीखने पर लगा दोगे तो आप उसको फिर बाद में रिकवर भी कर लोगे पैसों की सूरत में। अच्छा, और ऑनलाइन के क्या नुकसान, क्या है नुकसान है कुछ या सिर्फ फायदे ही फायदे? नुकसान मैंने आपको बताया ना जैसे छुरी और हाँ ये इसका ये मिसाल काफी अच्छा था कि नुकसान फायदा दोनों पता चल गया कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो नुकसान आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऑनलाइन वर्क
जो आजकल लड़के लड़कियां कर रही हैं, ज्यादातर अभी जो मैंने देखा है ना ऑनलाइन में लड़कियां ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, उसकी वजह क्या है? खेल लड़कियां इतना इंटरेस्ट क्यों, हमारे नौजवान लड़के क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे? असल में लड़के ना जो जॉब वगैरह पर जाते हैं बेचारे, हाँ सही है, और फिर वो अपने काम भी, घर के काम फुर्सत नहीं मिलती। लड़कियां क्या फारिक बैठी भी होती हैं, जो डॉलर भी मिल सिर्फ जाए बस डॉलर कर आ लो। रहा है। क्यों फर्स्ट क्यों आती हैं वो पढ़ाई में हाँ हमेशा? वो इसलिए क्योंकि घर पे होती हैं, वो क्योंकि सारे घर वाले भी यही काम बोल रहे कोई कुछ होते नहीं, हैं टेंशन नहीं, कि लड़की और लड़कियां अच्छा पढ़ती हैं। बुरा नहीं माने कोई, लेकिन हकीकत यही है। हाँ हकीकत यही है कि और आजकल जो मैंने देखा है ना ऑनलाइन में जो ज्यादा वर्क कर रही हैं वो लड़कियां ही हैं, क्योंकि यूट्यूब में भी काफी ज्यादा है जो सारे लेकर बैठे हुए ऑनलाइन अर्निंग सिखा रहे हैं। 100% नहीं है, लेकिन कुछ 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 है कुछ है, ऐसे। मैं भी कुछ कुछ का बता रहा हूँ, तो लड़कियां वो बैठ कर सीख सकती है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक घंटे की हम लोग ऑनलाइन अर्निंग सीखे, इसमें बैठ के ऑनलाइन वर्क कैसे करते कैसे। अगर कोई बॉयज सीखता भी है ना तो वो सुबह सारा दिमाग पे सबसे चले अच्छा जाता। ऑनलाइन अर्निंग करने का तरीका ये होता है कि आप सीखो, 4 से 5 महीने अपनी स्किल के ऊपर लगाओ, हाँ सही ये है, चीज फिर उसके बाद आप टीम बिल्ड करोगे। टीम बिल्ड। टीम बिल्ड करके काम करोगे तो टाइम भी डिवाइड हो जाएगा और पैसे भी डिवाइड हो जाएंगे। उसकी टेंशन नहीं लो, पैसे बाद में बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे भले कम मिल रहे हैं अभी जब टीम बनाओगे, लेकिन बाद में फिर बढ़ जाएंगे आपके। टीम के इसके। साथ तो करोगे तो टाइम बचेगा और कहीं लगा दो आप टाइम पे। मिसाल ये ना जैसे YouTube, अभी मैं सिर्फ कर रहा हूँ व्लॉग, ठीक है, और व्लॉग में अगर ज्यादा से ज्यादा पॉडकास्ट हो रहा है, मैं व्लॉग करता हूँ अकेले, सही है, व्लॉग अकेले बना रहा हूँ, तो या मेरे अपने रिलेटिव वगैरह यही सब होते हैं। अगर प्रैंक करा जाए, प्रैंक जो करते हैं उसके साथ क्या पूरी एक टीम होती है टीम कि होती है, चार से पांच है, और जो सही है, शुरू में जो काम कर रहे हो तो उसमें यही होता है कुछ अर्निंग नहीं होती, ठीक है, आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कैमरे में आपने पैसा लगाया हुआ है और काफी ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो उस चीज पे, इधर जाना उधर जाना प्रैंक वगैरह करना, तो उसमें कोई फायदा तो किसी को भी नहीं होता, लेकिन जब बाद में होता है तो सबको ही हो रहा होता है। एक टीम अब जैसे देखो वो है YouTube पे, ऑनलाइन। YouTube पे ऐसा क्या है, आप मेहनत करते हो, वॉच टाइम हासिल करते हो, फिर सब्सक्राइबर हासिल हाँ करते हो। अब आप अभी क्या मुफ्त में काम कर रहे हो, अभी मुफ्त में अभी काम, मेहनत कुछ कर रहे हो हासिल नहीं हो आप, रहा अभी आपको। कुछ हासिल नहीं हो रहा इनको, लेकिन जब इनका चैनल इंशाल्लाह ग्रो करेगा इंशाल्लाह तो फिर इनके पास सब्सक्राइबर भी ज्यादा आएंगे, फिर व्यूज भी ज्यादा आएंगे, फिर इनकी अर्निंग भी अच्छी होने लग जाएगी, क्योंकि अभी हाँ मेहनत कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, अपना फ्री में करो। बहुत से लोगों को आप क्या करो, बोलो कि मैं फ्री में आपको बना के हाँ दूंगा और आप कोई भी पैसे नहीं लो, तो इससे क्या होगा, आपके क्लाइंट्स और बनते जाएंगे। फिर जब उनको काम अच्छा लगेगा, अगली दफा से आप चार्ज कर दो उनको, वो हाँ आपको फिर ये पैसे यही चीज देंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी यही चीज है, मैं काफी ज्यादा काम वगैरह किया है ग्राफिक डिजाइनिंग में कि कुछ पेपर वगैरह बना के दे रहा हूँ तो मैं फ्री में देता हूँ, हाँ क्योंकि सही अभी है, देखें शुरू है ना, अभी हम लोग काम सीख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई चीज हमें कोई बनाने के लिए देता है तो हम लोग वो काम सीख रहे होते हैं, अभी हम लोग कोई मास्टर नहीं हुए, अगर कल को जाके अगर इसी पे एक्सपर्ट हो गए ना तो किसी दूसरे पे चार्ज करने में भी अच्छा लगेगा, नहीं यार काम आता है, सही ठीक है, बात अगर है। काम नहीं आएगा हम लोग चार्ज करेंगे तो खुद को भी एक है ना कि दूसरा आपको बोलेगा यार काम नहीं आता और ये इतने पैसे चार्ज कर रहा है। तो ऑनलाइन अर्निंग हमारा जो जैसे अभी यूट्यूब एक ऑनलाइन अर्निंग है, ये सबको ही बताएगा यूट्यूब में कुछ। YouTube पे भी बहुत ज्यादा तरीके हैं कमाने के, आप जरूरी नहीं है कि आप सामने आओगे मेरे के, हाँ ये भी है आप बिल्कुल, कुछ सिखा सकते हो, कुछ कार्टून वगैरह बना सकते हो, एनिमेशन आती कार्टून है का वो, आपको, कार्टून के अलावा भी जैसे आजकल की लेडीज ने खाना बना रही है हाँ उसका वीडियो बना के डाल वो दिया, अपनी फेस शक्ल भी थोड़ी नहीं आया, सिर्फ दिखाती है, वॉइस, वॉइस सिर्फ होती है, वॉइस आया और ना, मिलियंस में व्यूज हाँ आते हैं। मिलियंस पे व्यूज आते। और जो आजकल जो चल रहे ना, और ये मेहनत का जो हमारे ने कहा ना कि आप एक चीज में लगे होते हो ऑनलाइन अर्निंग आप कर रहे हो, ठीक है, आप रेगुलर करो, जैसे अभी मैं व्लॉग रेगुलर बना रहा हूँ, ठीक है, अभी मेहनत कर रहा हूँ, अभी मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, उम्मीद है इंशाल्लाह कल को जाके कुछ हासिल होगा। अभी आप इनको देखो कब से मेहनत कर रहे हैं, कब से सही है, हाँ वो लड़की आई डांस करा 2 करोड़ कमा के चली गई। लेकिन ये डिपेंड करता है नसीब के ऊपर, नसीब के ऊपर, कुछ नसीब, कुछ मेहनत कुछ मेहनत, और कुछ अल्लाह को राजी करना हाँ, बस। और अल्लाह ताला किसी को मेहनत का फल तो मेहनत जरूर का फल मिलता है, जरूर देते हैं, वो किसी को वो गमजीदा नहीं करते कि हाँ आपको नहीं मिले, मिलता जरूर है। अब जैसे अब ज्यादातर है ना YouTube स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जब मैं YouTube स्टार्ट किया था मेरा पाँव खराब था, फर्स्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं सबसे पहले अपने पाँव के बारे में बताया था कि पाँव मेरा काफी ज्यादा खराब है, उसके बाद मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा था। ज्यादातर होते हैं ना लड़के के YouTube स्टार्ट किया, एक दो व्लॉग बनाया डाल दिया, फिर
अब व्यूज नहीं आए ना, अगर आपके पास कभी कभी मैं अगर वीडियो डालू ना मात्र 24 घंटे में 12 व्यूज आते। अब मैं तो ये तो नहीं बोलता यार 12 व्यूज आए तो मुझे काम नहीं करना। अफसोस तो आपको भी होता है। वो सबको होता है, अफसोस होता है, लेकिन दिल में यही होता नहीं यार मेहनत करें कल को जाके के पे जाना है, कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ होना है। ठीक है, अब ज्यादातर लड़के वो व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है, कुछ भी प्रैंक वगैरह कुछ भी न्यू स्टार्ट किया ना, अभी व्लॉग अपलोड किया 24 घंटे बाद वो लोग चेक कर रहे कि 10 व्यूज है 2 व्यूज है, नहीं यार काम नहीं करना इसमें, व्यूज नहीं आ रहा, कुछ मसला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कुछ भी, आप मेहनत करो। आज पहले मैं व्लॉग डालता था मात्र 20-25-26, अभी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा व्यूज जाता है, ठीक है, कोई हाँ कोई मसला नहीं है। अभी जो पॉडकास्ट किया था शायरी वाला लड़का और किताबों वाली कहानियां, उसमें माशाल्लाह 1K+ गया एक में। अगर अगर इस पे 100 लाइक भी आ गए, 100 लाइक्स आ गए, तो सेकंड पॉडकास्ट आप मेरे साथ ही करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह उसके अंदर मैं कुछ सीक्रेट्स बता दूंगा फिर। अच्छा, क्या ऑनलाइन अर्निंग करने की? और फिर उस वीडियो के बाद वो कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा चले, इतनी फैसिलिटीज हम आज दे रहे हैं कि आपको कुछ चीज वो बताएंगे जिससे आप स्टार्ट। 100 लाइक्स और 1000 व्यूज होने चाहिए। अच्छा, इंशाल्लाह हो जाएगा क्योंकि ये लोग प्यार दिखाने वाले काफी ज्यादा। और अम्मा आपसे लास्ट सवाल पूछकर ये पॉडकास्ट को एंड करता हूँ, क्योंकि इसमें हमें बताना था कि ऑनलाइन अर्निंग क्या चीज़ होती है। अम्मा भी इंशाल्लाह काफ़ी जल्दी स्टार्ट करेगा ऑनलाइन यूट्यूब पर, इंशाल्लाह करता हूँ मैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, वरना मैं फुल यूट्यूब के ऊपर आ जाऊँ, टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये क्लासेस वगैरह लेने जाते हैं ना काफी जगह। पीएच एकेडमी भी चल रही है, तो फिर पढ़ाई भी। पीएच एकेडमी इनकी अपनी है ना, अपनी है पीएच एकेडमी इनकी। और क्या, और बाकी काम वगैरह, हाँ, स्टडी वगैरह सब कुछ काफी ज्यादा। इन्होंने अभी कुछ वीडियो डाली थी, कौन सी थी वो? एमएस ऑफिस का कोर्स करा रहा था। हाँ, एमएस ऑफिस पूरा हुआ? नहीं हुआ अभी तो एक्सेल चल रही है, वर्ड हो गया, पूरा हो गया। अच्छा, वर्ड हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। बाकी ब्लॉगिंग का अलग चैनल है। हाँ, ब्लॉग का इनका अलग चैनल है, पर्सनल लाइफ वगैरह के बारे, लेकिन अभी तो वो रुका हुआ है। अभी वो रुका हुआ, अभी उसमें कुछ वीडियो है जो इन्होंने पोस्ट किया, बाकी वो रुका हुआ है। तो काफी जल्दी स्टार्ट करो फिर यूट्यूब में, इंशाल्लाह आएंगे। और क्या सीक्रेट है थोड़ा हिंट देकर ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं? बस सीक्रेट यही है कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ही होगा, बस जो भी होगा अभी नहीं बताना। मैं अभी नहीं बता सकता, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह। एक लाइन में बोलना चाहूंगा, अगर आप कुछ मेहनत करते हो और कुछ हासिल नहीं होता, तो आप नॉलेज हासिल करो बड़ी अच्छी। और अगर नॉलेज हासिल कर रहे हो और कुछ हासिल नहीं होता, तो सो जाओ, क्योंकि उस नॉलेज का भी कुछ फायदा नहीं है जब कुछ हासिल नहीं हो। सही बात है, यही बात। आप कुछ भी काम करो, अगर आपको कुछ नॉलेज हुआ और कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आप सो जाओ, लाजमी सो जाओ, क्योंकि आपको कुछ मिलने वाला नहीं। सही बात। और जाते जाते आप ऑनलाइन के कुछ बता दें, तो एंड करते इस पॉडकास्ट को, क्योंकि इसमें ये बेसिक था, हम लोगों ने ये कहा कि ये बेसिक ही रखते हैं, ताकि कोई भी देखने वाला वो यही देखे कि ऑनलाइन में क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज लगानी पड़ती है और कितना टाइम देना पड़ता है। ये सब बेसिक चीज था कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके ऊपर आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है कि आप कितनी जल्दी सीख। हाँ, मेन चीज सबसे पहले तो इंटरेस्ट होता है, किसी भी काम करने के लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार मैं ये काम, मुझे यूट्यूब में इंटरेस्ट है व्लॉग बनाने का, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ये काम चल रहा है। और ग्राफिक डिजाइनिंग में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर ही रहा होता हूँ। आपके इंटरेस्ट कुछ स्टूडेंट्स है ना, वो मुझसे पूछते हैं कि कब तक हम लोग सीख जाएंगे ऑनलाइन अर्निंग, कब तक स्टार्ट कर देंगे। मैं उनको यही बोलता हूँ, अगर आप बोलोगे तो एक दिन में सब कुछ सिखा दूंगा मैं, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं सिखा दूंगा। आपके ऊपर इंटरेस्ट हो, इतना बर्दाश्त कर सकते हो, तो वो मुझे बताओ। वो बोलते हैं नहीं ये तो है, तो फिर वो अलग अलग हमारे कोर्स के ड्यूरेशन होते हैं, हर इंस्टीट्यूट का अलग होता है, अपना टाइम होता है, और वो सब कुछ सोच समझ के कोर्स का ड्यूरेशन रखते हैं, ताकि बंदे को सही से समझ आ जाए स्टूडेंट को। लेकिन बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सही नहीं सिखाते, सिर्फ फीस लेते हैं और बस अल्लाह हाफिज दे दिया। वो ऐसा होता है ना कि आप क्लास में, किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ है ऐसे, कुछ है मैंने देखा। आप इंस्टीट्यूट में गए, आपके सामने कंप्यूटर है, आपने ऑन किया, सर आए पीछे से, 15-20 मिनट की क्लास ली, उसके बाद ऑफ कर दिया, उसके बाद अब बच्चे को है कि उसने क्या करना है। और किसी भी, देखे ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट वाले सही है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको सर ने 10 मिनट क्लास दिया ना,
तो आप घर में आके उसको एक घंटा दोगे तभी आप कुछ सीख सकते हो। अब इसी तरीके से मेरा, अब देखिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग में करने जाता हूँ, कितने एक घंटे की क्लास होती है सर, काफी अच्छा सिखा रहे होते हैं, लेकिन क्या अगर मैं वो रात को आके प्रैक्टिस नहीं करूँ तो भूल जाऊंगा। सही बात है, वो तो प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना अच्छा फायदा है। क्या बोल लेते हैं आप? मैं बोल रहा था, आप जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने 6 महीने का कोर्स करा CIT का, CIT अब उसको तकरीबन 1-2 महीने हो गए, वो उसको मैं सिखाने जाता हूँ ना, उसके मैं दोबारा क्लास ले, वही CIT, हाँ, उसको कुछ आता ही नहीं है भाई, तो उसने क्या सिखा? वही तो, मतलब सिखाया क्या इंस्टीट्यूट वाले ने, ये समझ नहीं आया मेरे, और फीस ऐसी जाया हो गई। अब देखे इंस्टीट्यूट वाले सिखा रहे, इसमें कुछ बच्चों की भी गलती होती है, हाँ, इंस्टीट्यूट वाले सिखा के तो हमें पूरा भेज रहे हैं, लेकिन घर में आके बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा। अब स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, हमें टीचर सारी चीजें पढ़ाती हैं, ठीक है, टेस्ट मिल रहा, अगर घर में आके टेस्ट याद नहीं करेंगे तो कल नहीं दे पाएंगे ना भाई। इंटरेस्ट नहीं है तो इस फील्ड को छोड़ दो, किसी और फील्ड में चले, पढ़ाई में इंटरेस्ट है पढ़ाई में जाओ, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर में आ जाओ, और आजकल तो जितना चल रहा है वो कंप्यूटर ही चल रहा है, बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बिजनेस में आ जाओ, आप जो इंटरेस्ट है वो काम करो, किसी के कहने पे नहीं, ज्यादातर होते ना के मामू ये बोल ले, चाचू ये बोल ले कि प्री इंजीनियरिंग कर लो बेटा, हाँ सही है प्री इंजीनियरिंग करेंगे, काफी ज्यादा बोलने वाले होते हैं, बी ग्रेड आ गया, पेपर रुक गया, आपको जिस चीज में, और ज्यादातर आजकल जो हमारी जो जनरेशन में ना मैट्रिक खत्म हुआ, मेडिकल लेना या प्री इंजीनियरिंग के खानदान में नाम होगा, ये फला के लड़के ने प्री इंजीनियरिंग किया। अबे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आप खुद पे देखो आप क्या चीज क्लियर कर सकते हो, प्री इंजीनियरिंग कर सकते हो तो आप लाजमी लो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंटरेस्ट है तो लाजमी लो, आप कॉमर्स फील्ड है, आर्ट्स है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो लो। अब ये नहीं कि अम्मा ने मुझे कह दिया नहीं शेब मेडिकल लो तुम्हारा नाम होगा, मेडिकल तो मैंने ले लिया लेकिन वही पेपर में 3-4 सिपली लग गई, कहानी खत्म। अगर आप फिर आप वो मैट्रिक के ही कहलाओगे, भले आपने इंटर में इंटर क्लियर आपने कर लिया, ठीक है उसमें आपके 3 पेपर रुक गए इंटर में, आप मैट्रिक ही कहलाओगे, ये नहीं कि इस बच्चे ने इंटर किया हुआ इसके 3 पेपर रुके, कोई फायदा नहीं है। अब अगर आपने मेडिकल ले लिया सही है और आपको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपको प्री इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर मेडिकल में जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते, और प्री इंजीनियरिंग ही लिया तो आप उसको फिर साबित भी करोगे हाँ मुझे इंटरेस्ट था, आप उसमें ग्रेड लगा। ज्यादातर ऐसा होता है ना कि प्री इंजीनियरिंग अभी ले लिया माध्यमिक साल के दौर में, ठीक है, और मेडिकल किसी और ने ले लिया, इंटर कर लिया, इंटर करने के बाद इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं यार डॉक्टर बनने के लिए इतना साल लगाना पड़ेगा, ये सब इंसान पहले सोचे, मैट्रिक होते वो सारा प्लान बनाते ना कि यार ये प्लान है मेरा आगे जाके ये करना है। ज्यादातर जो मैंने देखे हम मेडिकल वाले और इंजीनियरिंग वाले ज्यादातर BBA पे उतर जाते, क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेने गया हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, ज्यादातर जितने भी बच्चे थे ना पूछो तो कोई बोला प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मेडिकल का हूँ, और वो ज्यादातर BBA में कन्वर्ट हो रहे, यही सब चीजें हैं। तो आज के जो पॉडकास्ट है उसमें हमें ऑनलाइन बेसिक चीजें बतानी थी, बस यही छोटा सा पॉडकास्ट था, इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने इस पॉडकास्ट पे प्यार दिखाया तो नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे और हम आज इसमें कुछ सीक्रेट बताने वाले, लाजमी बताने ना इंशाल्लाह, बस बताने वाले। तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।